विदर्भ में किसान आत्महत्या आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से होती आ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय पर सभी दलों को दलगत नीति से उठकर सोचना पड़ेगा। यह किसी एक दल का सवाल नहीं है, इसके पहले भी सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। यह बात शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने नागपुर में मीडिया के साथ मीट दी प्रेस में कही। उन्होंने कहा कि विदर्भ के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार जिस तरह से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, इससे विपक्षी दल पूरी तरह से बौखला गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां बदले की भावना से काम कर रही है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 राज्यों के जनादेश के लिए वहां की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आज नए मुख्यमंत्री बनने के लिए योगी को बधाई दी। महिलाओं की सुरक्षा की है, ये हमारी समस्याएं हैं, पर चर्चा किन बात की है? चर्चा उन बात की है जो इस देश के लिए अहम मुद्दे नहीं हैं, वो भटकाने वाले मुद्दे जो कहे जाते हैं वो मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, अब तो वो एनसीबी भी आ गया है गेम में, उन्हें कहा हम क्यों पीछे रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ किन कारणवश बनाई गई थी इस देश में? देश के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ थी जो निष्पक्ष होकर काम करती, अकाउंटेबिलिटी करती। जनता का पैसा मिसयूज़ अगर कहीं हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उस पर ध्यान देती विदाउट फियर और फेवर। दुख इस बात का होता है कि यही सारी जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे हैं कि उनको लगता है कि जब तक हम हाँ में हाँ नहीं करेंगे, हम सरकार का एजेंडा नहीं चलाएंगे, तब तक हम शायद हमें ना रोजगार रहेंगे ना ये इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।